बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो आप यानी कि जो मुख्तलिफ हमने थायरिस्टर वगैरह पढ़े उनकी एप्लीकेशन पहले तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज, और उसके बाद जो है ये लाइट एक्टिवेटेड SCR और आखिर में हम ऑप्टिकल कपलर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो सर्किट है ये आप फोटो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन में भी कोट कर सकते हैं और SCR की एप्लीकेशन में भी आप यही सर्किट जो है वो बना सकते हैं। अब इसमें ये देखें, ये हमारे पास फोटो ट्रांजिस्टर है और ये SCR है। अब ये सर्किट आपके सामने है, यहाँ देखेंगे ये जो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होता है ये आमतौर पर इसके ऊपर लाइट जो है वो पड़ रही होती है। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये देखिए इसका कलेक्टर जो है वो SCR के गेट के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि गेट इसका लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा, लेकिन जैसे ही ये लाइट इंटरप्ट होगी यानी कि लाइट जो है यहाँ इसको ब्लॉक होगा थोड़ी देर के लिए ही, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ जो है लाइट का सोर्स होता है और ये दरमियान में क्या लेके गैलरी टाइप होती है यहाँ से यानी कि आदमी जो है पास होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से गुजरता है तो लाइट जो है इसके ऊपर पड़ रही होती है फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर वो इंटरप्ट होती है। जैसे ही इंटरप्ट होगी तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इसके अक्रॉस कलेक्टर के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो डिवेलप हो जाएगी और ये पॉजिटिव जो वोल्टेज में एब्रप्ट चेंज आती है पॉजिटिवली वो क्या करेगा, इस गेट को मिलेगी। ये वोल्टेज जो है कलेक्टर वोल्टेज इस गेट को मिलेगी तो ये गेट जो है वो एक्टिव हो जाता है, सॉरी ये हमारा SCR जो है ये एक्टिव हो जाता है। ये जैसे ही एक्टिव होगा तो ये देखें ये पाथ इसको मिल जाता है जिसकी वजह से ये अलार्म जो है वो ऑन हो जाता है और ये बजना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि ये एक बार जब SCR जो है वो ऑन हो जाता है तो उसको ऑफ करने के लिए उसका जो करंट है होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफ नहीं होगा। तो जब तक ये स्विच जो है वो ओपन होगा करंट इसी में से गुजरता रहेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा कि अलार्म जो है वो बजता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, ये देखें ये पाथ जो है एक पैरेलल पाथ जो है करंट के लिए ये स्विच प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका होल्डिंग करंट इसका करंट जो है जो SCR से गुजर रहा होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा। जैसे होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा तो ये सर्किट जो है ऑफ हो जाता है, सर्किट ऑफ हो जाता है तो अलार्म भी बंद हो जाता है। ये देखिए ये है पुश ऑन, यानी एक दफ़ा पुश करके छोड़ देते हैं तो जैसे ही पुश करेंगे करंट इधर से पास होना शुरू हो जाएगा, इसका होल्डिंग करंट से करंट कम हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ये देखें आप इसको कोट कर सकते हैं SCR की एप्लीकेशन में भी और फोटो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन में भी। इसके बाद एक और थायरिस्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है लाइट एक्टिवेटेड SCR, यानी कि ये बेसिकली तो SCR ही है, थायरिस्टर ही है, लेकिन इसमें इसका एक्टिवेशन जो होती है वो जब इसके गेट के ऊपर सफिशेंट लाइट पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाता है यानी कि ये ऑन हो जाता है हमारा जो SCR है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं लाइट एक्टिवेटेड SCR। अब लाइट एक्टिवेटेड SCR बेसिकली क्या हुआ, ये थायरिस्टर ही होता है लेकिन इसका जो गेट होता है वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये ऑन हो जाता है। अब इसकी भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसमें ये देखें कि ये आपके पास एक प्राइमरी सर्किट है, ये एक्चुअली लाइट जनरेट करने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो अब ये देखें कि जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये LED लगा हुआ है ये लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। जब ये लाइट एमिट करता है तो ये लाइट पड़ती है किसके ऊपर भाई, लाइट एक्टिवेटेड SCR के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इसके गेट के ऊपर ये लाइट पड़ती है। जैसे ही लाइट पड़ती है तो क्या होगा, ये देखिए ये तो ये देखिए लाइट इसके ऊपर पड़ी ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया तो ये देखें ये सर्किट ऑन हुआ, हमारी रिले जो है एनर्जाइज हो गई, उसने ऑपरेट करवाना शुरू कर दिया डिवाइस को।
अब अगर ये लाइट हम ऑफ भी कर दें तो भी ये हमारा जो SCR है ये ऑन ही रहेगा। इसको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्विच हम लगा देते हैं, इसको पुश करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। जैसे ही ये सर्किट ऑफ होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका करंट जो है होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, तो ये हमारा जो SCR है ये ऑफ हो जाएगा। अब ये जो डायोड लगाया हुआ है, ये पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इसको ऑफ करेंगे सर्किट को, तो ये जो रिले की कॉइल होती है ये इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाती रहती है। ये लेंज़ लॉ के मुताबिक आपको पता है इंड्यूस्ड करंट इसमें होता है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हायर पोटेंशियल पे आज चला जाता है, ये लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है। अब चूंकि यहाँ से पीछे से जो ये ऑफ है, तो हो सकता है ये यहाँ पोटेंशियल इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाए कि ये हमारा जो डिवाइस है ये बर्नआउट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिले के पैरेलल ये डायोड लगा देते हैं। तो ये डायोड क्या करता है, जैसे ये हायर पोटेंशियल पे एंड आएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे एंड आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि ये करंट को ये पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस डिवेल्प हुआ था इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह हम ये लाइट एक्टिवेटेड SCR को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये स्विच ऑन किया, यहाँ से लाइट इसके अंदर आई। ये स्विच जो है कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो बहरहाल ये यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ी, लाइट पड़ी, ये सर्किट ऑन हो गया, सर्किट ऑन हुआ, रिले एनर्जाइज हो गई, रिले ने दूसरे सर्किट को यानी कि जो हमारा ऑपरेशन करने वाला डिवाइस है उसको उसने एनर्जाइज कर दिया। रिजल्ट क्या निकला कि ये ऑन रहेगा, लेकिन इसको अगर आपने ऑफ करना है तो ये स्विच जो है इसको पुश कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा सर्किट। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हमारा जो SCR है ये भी ऑफ हो जाएगा। ये है अब ऑप्टिकल कपलर। ऑप्टिकल कपलर में क्या होता है कि एक ही बेंच के ऊपर लाइट का सोर्स भी होता है और उसके दरमियान एक गैप डाल के आगे फोटो सेंसिटिव डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये एक बेंच है, इस बेंच के ऊपर इधर जो है सोर्स लगा दिया जाता है लाइट का, दरमियान में गैप है और यहाँ जो है ये कोई भी लाइट एक्टिवेटेड डिवाइस जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सिंपलेस्ट या बेसिक किस्म का ऑप्टिकल कपलर जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल LED ले लेते हैं और दूसरी तरफ फोटो डायोड ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये सिंपलेस्ट ऑप्टिकल कपलर होगा। उसे अगर हम करंट जो है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली यानी कि ज़्यादा ड्रा करवाना चाहते हैं, या लो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर हमें इसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तो फिर बजाय इसके कि ये LED के सामने हम फोटो डायोड लगाएं, यहाँ फोटो ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। तो ये फोटो ट्रांजिस्टर है। अब इसको इसका एक्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारा LED है, इसमें हमने ये रेजिस्टर लगा दिया। जैसे ही ये इसका स्विच ऑन होगा डेफिनेटली ये करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, LED जो है ये ऑन हो जाएगा, ये लाइट एमिट करेगा। अब इसके बाद यहाँ हमने लगाया हुआ है फोटो ट्रांजिस्टर। जैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये देखें ये सर्किट जो है हमारा ऑन हो जाता है। इस तरह ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है, जिसके रिजल्ट के तौर पर यहाँ आपको एक वोल्टेज जो है वो मिलना शुरू हो जाती है जो इसके क्रॉस होती है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। ये हमारे पास है LED और इसके बाद हमने यहाँ लाइट एक्टिवेटेड SCR लगा दी है, तो ये और सेंसिटिव किस्म का हमारा ऑप्टिकल कपलर बन जाता है। तो सिंपल बात क्या हुई, और भी कई इसके यहाँ डिवाइसेस जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसकी जगह। मिसाल के तौर पर ये लाइट एक्टिवेटेड ट्रायो अपना ट्राइक डायक वगैरह जो है इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसकी वर्सटाइल किस्म की एप्लीकेशंस हैं।
सिंपल बात ये देखें कि ये एक बेंच होता है, इसके एक तरफ जो है लाइट सोर्स होता है और दूसरी तरफ जो है लाइट सेंसिटिव जो डिवाइस है या कंपोनेंट है वो इस्तेमाल करके ये ऑप्टिकल कपलर जो है वो बनाया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है एक्टिव फिल्टर्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि फिल्टर क्या होता है। तो जिस तरह ऑर्डिनरी लाइफ में हम फिल्टर का मीनिंग लेते हैं, यानी कि फिल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कुछ चीज़ों को पास कर देता है और बाकी चीज़ों को अटेनुएट कर देता है। मिसाल के तौर पर वाटर फिल्टर है तो वो क्या करता है, पानी के अंदर जो मिट्टी वगैरह के ज़रात होते हैं, जो कंटेमिनेंट होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है और प्योर वाटर जो है उसको आगे पास करवा देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर एक ऐसे सर्किट को कहते हैं जो पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल जो हैं उनको पास करवा देता है और बाकी जो सिग्नल्स होते हैं उसको अटेनुएट कर देता है, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है ये पास कर देता है और अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, यानी कि अनवांटेड सिग्नल फ्रिक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स होते हैं उसको ये अटेनुएट कर देता है। तो अब हम ये लो पास फिल्टर जो है इसको डिस्कस करते हैं। देखें, फिल्टर जो हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। लो पास फिल्टर है, जिस तरह के नाम से जाहिर है कि लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है और हाई फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट करता है। इसी तरह हाई पास फिल्टर क्या होगा, वो लो फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट करता है और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करवा देता है। इसी तरह बैंड पास है, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है, यानी कि उसमें लोअर फ्रिक्वेंसी को भी कट कर देता है, वो हायर फ्रिक्वेंसी भी को भी कट कर देता है, अटेनुएट कर देता है, लेकिन एक रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी की जो बैंड विड्थ है उसको वो पास करवा देता है। और इसी तरह बैंड स्टॉप होगा, पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को वो स्टॉप कर देता है, बाकी फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है कि वो पास आउट हो जाएगी आउटपुट के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं लो पास फिल्टर क्या होता है। तो लो पास फिल्टर को समझने से पहले कुछ और चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ हम पढ़ेंगे, यानी कि उसको इस्तेमाल करेंगे। हम वोल्टेज गेन लेते हैं, जिस तरह ये होती है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, तो ये हम कहते हैं कि ये वोल्टेज गेन है, इसको ए बी से हम आमतौर पर शो करते हैं। लेकिन गेन को हम डेसीबल में भी शो कर सकते हैं। तो वोल्टेज गेन इन टर्म ऑफ डेसीबल वो किस तरह शो की जा सकती है, ये इसकी डेरिवेशन है, तो अगर किसी दिन टाइम मिला तो वो भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो ये याद रखें, वोल्टेज गेन इन डीबी जो होगा वो होता है 20 log ऑफ वोल्टेज गेन, सिंपल ये डीबी इसके यूनिट आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज जो है, वोल्टेज गेन जो है हमारे पास 100% है, मीन जितनी आउटपुट है उतनी इनपुट है, इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर है, तो गेन डेफिनेटली 1 के बराबर होगी। 1 का मतलब गेन जो है 100% है। तो उस वक्त गेन जो होगी डीबी में किस तरह लिखेंगे, ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास है कि जो डीबी में गेन को कन्वर्ट करने का, यानी कि ए बी जो सिंपल केस है गेन का, उसको डीबी में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, 20 log ऑफ 1, ये 1 dB, और आपको पता है कि log 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए ये इसकी जो डीबी में वैल्यू आएगी वो 0 dB के बराबर होगी। यानी कि अगर गेन जो है 100% है या 1 है तो डीबी में उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, 0 dB के बराबर होगी। इसी तरह अगर गेन जो है वो 0.707 है, यानी कि आउटपुट जो है इनपुट का 70% है, 70% है आउटपुट, तो फिर क्या होगा, यानी कि गेन जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो फिर डीबी में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखें, डीबी में इसकी वैल्यू होगी 20 log ऑफ 0.707 dB। इसको सॉल्व करें तो ये आता है, यानी कि इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 3 dB आता है, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव,
क्योंकि ये वन से लेस हो गया। और इसी तरह अगर गेन जो है 0.1 है, मीन 10% रह गई है, आउटपुट जो है वो 10% है इनपुट का, तो फिर क्या होगा, ये ए बी डी बी जो होगा वो 20 log of 0.1 dB के बराबर होगा। तो इसको ये लॉग ऑफ 0.1 जो है -1 के बराबर होता है, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 20 dB होगा। इसी तरह अगर गेन जो है 0.01 है तो ये -40 dB आ जाएगा, 0.001 है तो ये -60 dB आ जाएगा। तो ये बताना ये चाहता था कि यहाँ गेन आम तौर पर हम सिंपल फार्मूला यानी कि ये वी आउट ओवर वी इन में मेजर करने की बजाय dB में मेजर करते हैं। अब कुछ और बातें जो हैं इसमें समझ लें। तो इसमें है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती खास तौर पर ये लो पास फिल्टर में कि जिसमें गेन जो है वो 70% रह जाती, 70.7% रह जाती है, यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट का 70.7 रह जाता है। तो ये डीबी में अगर देखा जाए तो ये -3 dB बनता है, यानी कि वो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हमारी गेन है -3 dB रह जाती है वो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है, या इसको हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। अब अगली बात है पास बैंड, खासतौर पर ये लो पास फिल्टर में। ये देखें, ये इतना जो रीजन है इस फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल जो हैं वो पास हो रहे हैं, तो ये कहलाता है पास बैंड। लोअर फ्रिक्वेंसी लो अपना पास फिल्टर में क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और जीरो फ्रिक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो रीजन बनता है ये क्या होगा, ये कहलाएगा पास बैंड। ये है पास बैंड। अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो रीजन है, ये रीजन इसमें देखें कि अनवांटेड सिग्नल भी आ रहे हैं, तो ये रीजन जो है ये कहलाता है ट्रांजिशन रीजन, ये ट्रांजिशन बैंड कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक ये ट्रांजिशन बैंड कहलाता है। तो इसमें ये हमारा फिल्टर जो है ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड। अब स्टॉप बैंड क्या होता है, स्टॉप बैंड एक्चुअली वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो सिग्नल होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आउटपुट पे अपेयर ही नहीं होती, यानी कि सारे के सारे जो फ्रिक्वेंसी है वो ब्लॉक हो गई है। तो वो जो आगे फ्रिक्वेंसी होगी यानी कि ये जो बैंड होगा ये कहलाएगा स्टॉप बैंड, ये पास बैंड, ये ट्रांजिशन बैंड, और ये कहलाएगा स्टॉप बैंड, यानी के जो स्टॉप हो गया है, जो फ्रिक्वेंसीज जो हैं सिग्नल जो हैं वो स्टॉप हो गए। तो ये हमारे पास क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आ गई, फिर पास बैंड आ गया, फिर अब थोड़ा सा ये लो पास फिल्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये देखें कि ये सिंपल एक रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, तो ये हमने दोनों पैसिव कंपोनेंट इस्तेमाल किए हुए हैं, तो इसको हम नाम से दे सकते हैं पैसिव लो पास फिल्टर का। ये जो हमारे पास एसी है, ये जो सिग्नल्स हम दे रहे हैं एसी की फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है, हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की इनपुट जो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपके पास रेजिस्टर है लेकिन आउटपुट हम ले रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो आपको पता है कि कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस होती है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्स सी, वो होता है 1/2 πfc। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इम्पीडेंस है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी जो है सिग्नल की, ये देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, लेकिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो आउटपुट है वो रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस होती जाएगी, वजह उसकी ये है कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी इसकी इम्पीडेंस कम होती जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ड्रॉप होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो लो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर इसकी इम्पेडेंस मैक्सिमम होगी, तो आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं, इसकी इम्पेडेंस जो है या रिएक्टेंस जो है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। सिंपल सी बात देखें कि जब लो जीरो फ्रिक्वेंसी होगी तो ये कैपेसिटर जो है वो ज़ाहिर है इसको ब्लॉक कर देगा, आगे करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो इसका करंट जीरो के बराबर, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो के बराबर, तो सारी की सारी वोल्टेज जो है यहाँ पे अपेयर होगी आउटपुट के ऊपर। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, इसकी इम्पेडेंस कम होना शुरू हो जाएगी, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो तो सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है यहाँ पे आउटपुट जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो ये फार्मूला है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc। तो अब अगली बात, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारी जो आउटपुट है वो इनपुट का 70% रह जाती है। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्स सी जो है वो आर के बराबर होता है। अब एक्स सी जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/2πfc, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फ्रिक्वेंसी वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी, वो आर के बराबर होगा। तो ये एफ सी इधर ले जाएं, इसका मतलब एफ सी यानी कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 1/2πrc के बराबर होगी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो गेन है वो -3 dB रह जाती। अब जो लो पास फिल्टर है उसकी बैंड विड्थ क्या होगी। बैंड विड्थ बेसिकली वो रेंज होता है फ्रिक्वेंसी का जो एक फिल्टर जो है वो पास कर देता है। तो यहाँ देखिए ये जीरो से लेकर एफ सी तक ये सारे के सारी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो पास हो जाएंगी, तो ये कहलाता है इसका बैंड विड्थ, बैंड विड्थ कहलाएगा। तो ये बैंड विड्थ यहाँ किसके बराबर होगा, देखें क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी -0 इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो इसका जो बैंड विड्थ होगा लो पास फिल्टर का वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। अब ये देखें कि यहाँ अनवांटेड सिग्नल भी काफ़ी मकदार में हमारी आउटपुट पे आ रहे हैं, यानी कि हमने पानी का फिल्टर लगाया है तो उसने मोटे मोटे ज़रात जो हैं उनको तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बहुत ही बारीक जो मिट्टी के ज़रात थे या कोई और कंटेमिनेंट था उसको उसने ब्लॉक नहीं किया, तो डेफिनेटली वो कोई अच्छा फिल्टर नहीं होगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि हम तो ये चाहते थे कि ये हमारा यानी कि जैसी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आए उसके बाद के सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी उससे हाई है तो ब्लॉक कर दे हमारा फिल्टर, लेकिन इसने ब्लॉक नहीं किया। तो हमने एक सिंगल पोल इस्तेमाल किया था आर और सी, ये पोल कहलाता है, यानी कि किसी भी फिल्टर में आर और सी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो सर्किट बनता है इसको पोल कहते हैं। तो एक पोल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रोल ऑफ रेट जो है ये कहलाता है रोल ऑफ रेट, ये होगा -20 dB/dekade। इसको भी ज़रा समझें, ये देखें फ्रिक्वेंसी को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 से लेकर 20 dB तक डिक्रीज हो गया आउटपुट, फिर 10 और इजाफा किया उसमें तो फिर ये 40 dB आ गया। 10 फ्रिक्वेंसी और बढ़ी जिनके 10 मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखें ये लॉग स्केल होती है, ये लॉगरिथमेटिकल स्केल होती है। तो इसमें ये देखें हमारा यहाँ तक ये -60 dB तक पे जाके ये जो हमारा जो बैंड है ये ट्रांजिशन बैंड जो है ये ख़त्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिल्टर है जिसमें सिंगल पोल होगा उसका रोल ऑफ रेट जो है -20 dB/dekade होगा। लेकिन अगर हम अच्छा फिल्टर बनाना चाहते हैं यानी कि ये जो अनवांटेड सिग्नल हैं उनको भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर हमें ज़्यादा पोल इस्तेमाल करना पड़ेंगे, RC सर्किट ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो हर एक पोल के कॉरस्पॉन्डिंग 20 dB/dekade का ये इसमें यानी कि कमी होती जाएगी सिग्नल में। ये देखें सिंगल पोल होगा तो ये आपके पास करवाएगा, डबल पोल होगा तो ये करवाएगा, यानी कि पहले से अनवांटेड सिग्नल जो पास हो रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो गई है।
और अगर हम तीन पोल इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए इसका रोल ऑफ रेट बन जाता है -60 dB पर डिकेड। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स की तादाद बढ़ाने से हम अनवांटेड सिग्नल जो हैं उनको कम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।